घर में बैठे, ये इतना बड़ा फर्क है अरेंज अरब प्रोग्रामर में। इस जो म्यूजिक अवार्ड जो होते हैं उसमें ये कैटेगरी साथ में दी गई है, म्यूजिक प्रोग्रामर एंड अरेंजर। आप एक प्रोग्रामर को अरेंजर का दर्जा दें, इनवाइट करते हैं दोनों को, अरेंजर और प्रोग्रामर, इसमें बहुत बड़ा फर्क है जो मैंने आपको एक लाइन में बताया। बाकी के जो टेक्निकल है वो अगर सामने कोई आगे पूछना चाहता है तो हम लोग, हमारे पास अरेंजर भी है और प्रोग्रामर भी है, साथ में बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के टाइम में हम लोग ये बात करेंगे कि अरेंजमेंट जिसने की है उसका आप नॉमिनेशन में नाम किस तरह से पहुँच सकते, किस तरह से आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप म्यूजिक अवार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप या टीवी शो बना के पेश करते, आप म्यूजिक अवार्ड बनाते हैं, मैं हमारे बीच सीएमए मतलब सिनेमेशन एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट साहब जयंती लाल गोसल जी बैठे हुए, उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि कितने म्यूजिक अवार्ड है जिसमें हमारे एसोसिएशन को या सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट आपको एक एक सिंगल इनविटेशन आता है कोई म्यूजिकल अवार्ड की तरफ से? ओनली दादा साहब फाल्के अवार्ड जो टीवी शो नहीं है, बाकी कोई नहीं आता आपको? ये बहुत ही घिनौनी और लानत की बात है, आप म्यूजिक अवार्ड बना रहे हैं और म्यूजिशियंस को इनवाइट ही नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताइए विदाउट म्यूजिशियन म्यूजिक बनेगा कैसे? मैं सोचता हूँ कि किताब बिना म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन को तो मतलब निग्लेक्ट कर रहे हैं उनको, मतलब हम लोग कोई अछूत लोग हैं कि आपके अवार्ड फंक्शन में आके बैठ नहीं सकते? एक सीट नहीं हमारे प्रेसिडेंट के लिए? आप म्यूजिक अवार्ड बनाने जा रहे, हमारे एसोसिएशन में एक इन्विटेशन नहीं है? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिदम की बात जल्दी से किसी चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आई एम पर्सनली अ म्यूजिशियन एंड आई एम अ म्यूजिशियन सन, व्हिच मींस द सिंगल सो आई एम अ वेरी प्राउड। माय फादर वाज वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड म्यूजिशियन ऑफ दिस इंडस्ट्री, और हमारे फादर श्री उस्ताद शराफत अली खान ये चल रहे हैं, हाँ, उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 40 साल के ऊपर तबला वादक रहे हैं और बहुत बखूबी काफ़ी तबला बजाया है, तो रिदम तो हमारे खून में है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे खून की तो बात है ही, लेकिन जहाँ तक गाने का संबंध है मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई गाना ही नहीं बन सकता अगर रिदम नहीं हो तो, क्योंकि जो भी गाना जब बनता है तो सबसे पहले टेम्पो क्रिएट की जाती है कि ये टेम्पो में है, ये टेम्पो में है, ये टेम्पो, टेम्पो इन रिदम। तो जहाँ तक कि क्रेडिट की बात होती है, रिदम की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत ही ये नियत का मामला है, नियत साबुत तो मंजिल आसान हमारे सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और जहाँ तक कि अच्छे काम की बात आती है, मैं नितिन भाई को आज समझ लीजिए कि मैं इंडस्ट्री में आया ही आया था, क्योंकि मैं अपने फादर का तबला उठा के आता था सब जगह रिकॉर्डिंग में, तो मैं इन सब भाइयों को, सब हमारे जितने बड़े हैं सबको मैं रिकॉर्डिंग में देखता था। उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो नितिन भाई से मेरे वालिद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और कहा कि भाई ये मेरे गुरु भाई हैं, तो वहीं पे रिश्ता एक अलग जुड़ गया, क्योंकि हम सब अब्बा जी के, हमारे वालिद के उस्ताद श्री अलखा साहब अब्बा जी हमारे, जिनसे हम सब वास्ता रखते हैं, वो भी रिदम का ही पूरा खानदान है। ये आज जो अनजस्टिस हुआ है ये नितिन भाई के साथ में, ये मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, और ऐसा हमेशा होता है कि किसी एक बेवकूफ के वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है, और हमेशा यही हुआ है। वो क्या होता है ना कि
किसी की भी नैया डुबाने के लिए एक बेवकूफ आदमी काफी होता है। तो ये भी काम ऐसे ही हुआ है। आई एम श्योर कि जितने डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स इन दिस केस, उनकी जो रिदिन भाई के साथ में केमिस्ट्री है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जानबूझ के कोई नहीं करता, बड़ी लापरवाही का काम है, लापरवाही। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि एक इंसान अगर आपके काम में लापरवाही दिखाए तो आपका काम कितना डूब सकता है। ये गाने ऐसे नहीं है। When you talk of what is the description of musician, a sincere musician, जैसे अभी भाभी ने कहा कि मेरे साथ घर पे तो रहते हैं लेकिन ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारते हैं, तो ये एक डेडिकेटेड म्यूजिशियन की बात है जो अपनी जिंदगी देता है और वो अपनी खून अपने रूह से जुड़ा हुआ होता है, और उसको अगर क्रेडिट ना मिले तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आज इतनी भी आपके पास वक्त नहीं है जो भी ये बेवकूफ़ी करता है कि इतना। अच्छा, ये मेरा सवाल जूरी से भी है। एक्चुअली मुझे ये लगता है इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है जूरी का, क्योंकि डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर वो नाम दे देते हैं या प्रोडक्शन ने नाम गुफक किया, चलो कर दिया, बट जो जूरी है वो तो काबिल लोग हैं, वो तो म्यूजिशियंस भी हैं, वो तो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं, वो लिरिक राइटर भी हैं। जब उनका किसी का नाम नहीं आता तो कितना चिल्लमचारी करते हैं। एक किसी का नाम रह जाएगा तो आप सुनने में आता है कि ये हमारा नाम रह गया है, ये कैसे हो गया, तो वो 30 जन की जो जूरी होती है या 50 जन की जो जूरी होती है सब लड़ लेते हैं। सी अवार्ड्स वालों का तो क्या है, उनको जो नाम आप दोगे वो उनका नाम अनाउंस कर देंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो लोग तो उन लोगों का इतना इनिशिएटिव लेते हैं, वो सोचते हैं कि चलो इनका लुकआउट है। उन्होंने हायर जूरी को काहे के लिए किया है, उन्होंने जूरी को हायर ही इसीलिए किया है कि ये लोग इंसाफ करेंगे और ये समझेंगे। मुझे लगता है कि जूरी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू आर सेलेक्टिंग फॉर द कैटेगरी, म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी तो आप पढ़ के देते हो, हमें मैं फोन आता है कि हुज अरेंज द सॉन्ग, हुज मिक्स द सॉन्ग, हुज मास्टर द सॉन्ग। आजकल तो मिक्स मास्टर के अंदर भी ऐसा हो गया कि हम तीन कैटेगरी के अंदर देते हैं कि रिकॉर्डेड बाय समवन एंड मिक्स मास्टर बाय समवन, तो ये भी आने लगा और उसके हिसाब से भी अवार्ड मिलने लगे। डीवी खत्म हो गया, डीवी खत्म हो गया और इतनी क्लियरिटी आ गई है, तो ये गुफक की गुंजाइश जो है ना बहुत ही बेवकूफी का सबूत है, स्पेशली इन एजुकेटेड कंट्री पीपल व्हाट फंक्शंस इसको रहते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगता है, मुझे लगता है एक जूरी का जो प्रॉब्लम है, उनको ये उनकी जिम्मेदारी है अगर जिसको अवार्ड दिए जा रहे हैं, और जहाँ तक अवार्ड नहीं मिलने का सवाल, वह तो सवाल ही नहीं होता।